अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है या फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे किसी कारण से, तो इस पोर्टल पर तो पूरी तरह से एक बार देख लीजिए। मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 25 का उत्तर देना होगा। और यहाँ पे समय जो रहेगा आपका 1 घंटा 37 मिनट का होगा, जिसमें से आपको 7.5 मिनट का जो टाइम है एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन को दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन इस मीडियम में कवर करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि न्यूटन शब्द का विलोम होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो न्यूटन का विलोम की बात करें तो विलोम होता है पुरातन। क्या होता है? पुरातन। न्यूटन का विलोम क्या होता है? पुरातन। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक शब्द का संधि विच्छेद है। एक का संधि विच्छेद करने पर इसका जो संधि विच्छेद आएगा वो हो जाएगा 1+1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। दो का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे होंगे कि गौरा शीर्षक रेखा चित्र के लेखक का नाम है। गौरा शीर्षक रेखा चित्र के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी महादेवी वर्मा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर चौथा देख पा रहे होंगे कि सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद है। सद्वाणी जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी सद जोर वाणी। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा देख पा रहे होंगे, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के जो होते हैं 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद, सबको पता होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा देख पा रहे होंगे कि दया शब्द का लिंग निर्णय करें। दया जो है इसको लिंग निर्णय करना है, क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? तो दया क्या है? दया है एक स्त्रीलिंग, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। एक स्त्रीलिंग वर्ड है दया, तो यहाँ पे 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां देख पा रहे होंगे, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यानी 1880 को। कब हुआ था? 1880। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे, नाच न जाने अंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ होता है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो 8 का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी काम न जानना और बहाना बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उसके बाद पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर कौन समास है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे, पंच की जुबानी से कौन बोलता है? पंच की जुबानी से कौन बोलता है? पंच की जुबान से जो बोलता है वो बोलता है खुदा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे, लालच शब्द का लिंग निर्णय करें। लालच शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग? तो लालच जो है वो है पुल्लिंग, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर बताइए कि विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला कौन देश है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी भारत। भारत क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे होंगे, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में जो वचन के मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, पता होगा आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एकवचन और बहुवचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे, इनमें से राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन है? इनमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जीवन संदेश। क्या हो जाएगा? जीवन संदेश। क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे हैं, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था? तो गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1911 ईस्वी को। कब हुआ था? 1911 ईस्वी। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे कि करण कारक का विभक्त चिन्ह है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी से। करण कारक का विभक्त चिन्ह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन में 17 देख पा रहे होंगे, कविता कौमुदी के कवि है, कविता कौमुदी जो है उसके कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राम नरेश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे, नेता शब्द का स्त्रीलिंग कीजिए, यानी नेता शब्द क्या है? सॉरी, नेता शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे बताना है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी नेत्री। नेता क्या होता है? नेत्री, यानी 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे होंगे, मंगर शीर्षक पाठ किसकी रचना है? पता आपको होगा, आप पढ़े हो तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी की।
चलिए उसके कुछ समय में 20 तक पढ़ाऊंगे कि दया शब्द का विशेषण होता है। दया शब्द का विशेषण क्या होता है पता होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी दयालु। दया का क्या होता है? दयालु। क्वेश्चन नंबर 21 तक पढ़ाऊंगे, जो अपनी भलाई चाहता है एक शब्द है, इसके लिए क्या एक शब्द है? तो जो अपनी जो भलाई चाहता है उसको स्वार्थी कहते हैं, जो अपने के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। किसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चले बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 तक पढ़ाऊंगे, बंग देश की बुलबुल की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर को किसने दी थी? बंग देश की बुलबुल की जो उपाधि दी थी उसको उसके पिता ने दी थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 22 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 23 तक पढ़ाऊंगे, मंगल शब्द का विशेषण होता है, मंगल का क्या विशेषण होता है? आपको विशेषण करना है, चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मंगलम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे होंगे, पांचवा कॉलम पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? मतलब सॉरी, पांचवा कॉलम पुस्तक जो है ये किस लेखक की रचना है? तो ये जो लेखक है इसका लेखक जो है वो है हरिशंकर प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 24 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे होंगे, दाल रोटी शब्द कौन समास है? दाल रोटी जो है ये कौन सा समास है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास है। क्या है? तो द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 तक बढ़ते हैं, और 26 देख पा रहे होंगे, जिसकी उपमा न हो का एक शब्द होगा, जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए जो एक शब्द इस्तेमाल होगा वो हो जाएगा अनुपम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे होंगे, हरिशंकर परसाई किस रूप में प्रसिद्ध थे? हरिशंकर परसाई जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, यानी प्रसिद्ध व्यंगकार इसके रूप में प्रसिद्ध थे। 27 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे होंगे, रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो किस राज्य के रहने वाले थे? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे होंगे, आश्रम शब्द का पर्यायवाची होगा, आश्रम जो है उसका पर्यायवाची क्या होगा? पता होगा आप सभी को, इसका पर्यायवाची की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मठ। आश्रम का क्या होता है? मठ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे होंगे कि गिरिंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद कह दीजिएगा। तो इसका सही संधि विच्छेद का ऑप्शन नंबर बी यानी गिरिजोर इंद्र। तो यहाँ पे हम लोग 30 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। तो वहाँ पे 25 मार्क्स का होगा, और 25 मार्क्स क्या होगा? सब्जेक्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें से आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कैसा होता है सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको दो भावार्थ पूछे जाएंगे, ऑप्शन में आपको एक का बनाना है। जैसे देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसी एक का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे दो दिया हुआ, जैसे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक इसका भावार्थ लिखना है कि जब गरजे मेघ पपीहा बोले बोले डोले गुलनारों में, लेकिन कांटों में झाड़ी में बुलबुल का गान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। तो ये जो है पंक्तियाँ दिया हुआ है, इस पंक्तियों को आपको भावार्थ करना है, इसको खोल के लिखना है। मतलब कवि इसके द्वारा क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, इसको पूरी तरह से आपको भावार्थ करना है। चाहे उसको लिखिए या फिर दूसरा मैं देख पा रहा हूँ कि भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य विरक्ता, भारत एक जलज जिस पर जलकर दाग न लगता, भारत है संज्ञा विराग की उज्ज्वल आत्म उदय की, भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की। चाहे उसका लिखिए या फिर इसका भावार्थ, इन दोनों में से किसी एक का लिखना है। फिर उस तरह दूसरा क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दो ऑप्शन दिया हुआ है बस, और इसमें सिर्फ ये भी 5 मार्क्स का रहेगा, तो इसमें एक का उत्तर देना है। जैसे प्रेमचंद्र की जीवन एवं व्यक्तित्व का सामान्य परिचय व प्रस्तुत करें, या फिर ठिठुरता हुआ गंतन शीर्षक के निबंध की समीक्षा करें। अब इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 5 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको टोटल जो 8 प्रश्न पूछाएंगे, जिसमें से आपको टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे देख पा रहा हूँ प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 8 तक। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहा हूँ, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक अवतरण का संक्षिप्त कीजिए। तो ये जो पूरा दिया हुआ है इसको आपको संक्षिप्त में लिखना होगा, मतलब ये जो कहानी है बताया गया इतना बड़े लाइन में, तो आप चाहे तो उसको जितना संक्षिप्त में लिखे उतना अच्छा रहेगा। मतलब कहानी का जो मतलब सीएम ये जितना भी इतना लाइन में समझाया, आपको कम से कम लाइन में ये पूरे कहानी को समझाना है। अगर आप जितना कम लाइन में पूरे कहानी को समझाए तो उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर अगला देख पा रहे होंगे, उसी तरह सेम है, मतलब वो ऑप्शन में दिया हुआ है, चाहे आप उसका शॉर्ट कीजिए या फिर इसका शॉर्ट कीजिए, दो नंबर का, तो ये सेम तरह का क्वेश्चन है। उसके क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी एक पर निबंध लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने 6 ऑप्शन, इन 6 ऑप्शन में से किसी एक पर निबंध लिखना है। आपको बता दूँ कि यहाँ पे जितना भी 6 है, इन 6 को आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। तो यहाँ पे आप किसी जिसका भी आसान लगता है तो आप उसी में एक का आप उत्तर दे सकते हैं। तो
यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेहनत किसी एक का पत्र लेखन कीजिए, चाहे आप उसका ये लिखना है तो वो लिख सकते हैं या फिर एक पत्र लेखन लिख सकते हैं कि पत्र लिखिए या फिर किसी एक पर निबंध लिखिए, जो चाहे आप मर्जी। तो यहाँ तक ये वीडियो जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। तब तक के लिए मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आपके स्क्रीन पर कोई भी वीडियो आ रहा है तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तब तक मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।